बोल नहीं आ रहा पान का आगे भाई ऐसे कोई ब्लॉगर। आई नो बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा, लेकिन मैं फिर भी वापस आ गया हूँ। आ गया तू जवान हो के। मैं डेट जो हूँ ना, तो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। खैर यार, 3 महीने पहले मैंने कोई लास्ट व्लॉग बनाया था, और अभी कोई सुबह के 6 बज रहे और मैंने कहा कि यार आज व्लॉग बनाना है। हाँ देख लो यार, 3 महीने से देखा नहीं है ना, फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो ब्रो, क्या हाल चाल है यार? वो लड़कियाँ भी देखती हैं तो हेलो गर्ल्स अवर यू। यार सबको पता है कोरोना चल रहा है, तो बंदा घर से बाहर तो निकलता नहीं है, तो कोई कंटेंट तो होता नहीं है बंदे के पास, फिर बंदा व्लॉग क्या बनाए। तो मेरे पास तो एक फुटेज पड़ी हुई थी, लाहौर में गया था 3 महीने पहले की बात है। खैर सीन्स कुछ इस तरह थे कि हमारा कजन्स का प्लान बना था, लेकिन जब एक्चुअल डेट आई तो एक भी कज़न नहीं आया, तो मैं अकेला चला गया लाहौर। 6 बजे निकला घर से, पिंडी से, 1 बजे लाहौर पहुँचा। घर पहुँचते पहुँचते 3 बजे और काफ़ी नींद आई थी, तो मैं टुन होके सो गया, जिस तरह मानो नहीं टुन हो गई थी। खैर उस दिन तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस रात को हम लोग शॉपिंग पे गए थे, मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी, और उसके बाद फिर हम लोग दाता दरबार वगैरह गए। उस बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और इस व्लॉग में भी कोई सरपाव नहीं है, रेंडम व्लॉग है, मैंने कहा कोई ना एडिट कर लिया जाए। देखो कोई जैकेट लहरा जावे तो पाकिस्तानी जगा क्योंकि यार लाहौर में इतनी गर्मी नहीं है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा जैकेट्स लेके आया था साथ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गर्मी लग रही नहीं है वो, और ऊपर से जैकेट मैंने इस टाइम इसलिए पहनी हुई है कि रात को देर से जाना घर तो ठंड ना लग जाए, तो थोड़ा बैकअप प्लान है कि नहीं। यार अभी का सीन कुछ इस तरह का, अभी हम लोग आए हुए हैं जोहर टाउन एक्सपो सेंटर, वहाँ पे एग्जीबिशन है, डिफेंस एग्जीबिशन, तो वहाँ पे काफ़ी गन्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग को, चलो देखते हैं क्या जाता है। पैसे डाल रहे हैं और चूज द कोड चूज करें और बहुत आगे चला गया सिर्फ आए बहुत जी कितने का ये यार। अभी सीन ये है कि अभी रात को हम लोग 1 बजे घर में बैठे हुए थे, तो अभी बाहर जाने का दिल किया, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फुटबॉल खेला और अभी हम लोग जीत चुके हैं और ये हम लोग ट्रीट भी दे रही है भाई। बोतल की बात हुई थी, हमने बोतल दे बोतल दिलाए, बात उन्होंने की थी भाई के दूसरे मैच पे उन्होंने बात की थी कि हम बोतल पहला मैच हम जीते हुए थे, दूसरे मैच पे फिर आ गया था दूसरा सेमीफाइनल बनता है। नहीं नहीं सेमीफाइनल बनता नहीं, आप बोतल लगी थी फिर अभी आ जाए, अभी तो कान बंद कर रहे हैं। नहीं पहले ये बेमानी कर रहे हैं यार, बोतल नहीं थी पिछले व्लॉग में, खाना नहीं पिलाया था इधर, अभी हमें बोतल नहीं पिलाई जा रही है, ना इंसाफ ही हो गया ये। अभी रावलपिंडी के रास्ते में और मुझे नहीं पता ये ब्लॉग किस तरह, टोटली रैंडम ब्लॉग है, कभी मैं क्या कर रहा होता हूँ कभी क्या कर रहा होता हूँ, और कहीं पे मैंने ब्लॉग बनाया और मैंने कहीं पे ब्लॉग बनाया भी नहीं है। कल अब हम लोग फोर्ट्रेस वगैरह गए थे जॉयलैंड में, हमने काफ़ी फन किया था, वहाँ पे मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। अभी सियाल मोड़ पर बैठे हूँ, यहाँ पर कोई स्टे था हमारा और पिंडी वापस जा रहा हूँ,
लेट्स सी अब क्या बनता है आगे। मेरा एक और प्लान है तो आई होप कि वो उस व्लॉग में मैं डाल दूँ उसको और रैप अप करके बस ख़त्म कर दूँ। तो यार ऊपर से मैं नियाजी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ, कसम से यार कोई इंतहाई घटिया सर्विस कहते हैं ना जिसको, ये वो है सीन है ठीक है यार। ना तो इनका रिफ्रेशमेंट का कोई फिट सा सीन था, पानी वगैरह दिया था वो भी इन्होंने कहीं से भर के ला के शीशे के ग्लास में हर किसी के पास जा के जिसने पीना है उसको दे रहे हैं। तो इस वजह से मुझे इनकी ज़रा भी बिल्कुल भी नहीं पसंद आई और बस की हालत भी इतनी ज़रा बिगड़ी हुई थी। इससे अच्छा आते हुए फैसल मूवर पर ट्रैवल किया था यार, वो कोई क्लास की बस थी यार, चस आ गई थी उसमें कसम से। ये देखो यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था देखो ये 500 रुपये के पीछे बारिश में खड़ा हुआ है ये आधा घंटा। कैसा फील कर रहे हो हसन? झूठ बोल रहा है यार। हाँ झूठ बोल रहा है, फिर तो बारिश में क्या कर रहा है? हाँ बारिश तो है ही नहीं यार। 100 रुपये ले घर जा। दो सब चाक तेरा भी बचेगा। 15 मिनट में 200 तू गा ठीक है आ जा। 250 ही देता थे क्या कहता है? नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ खड़ा। अच्छा यार यहाँ पर सीन कुछ इस तरह था कि मैंने हसन को बोला हसन अगर तू बारिश में आधा घंटा खड़ा रहेगा मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, लेकिन जैसे मैंने कहना था बारिश रुक गई और वो जाके खुशी से जाके खड़ा हो गया। और फिर मैं उसको काफ़ी कन्विंस किया कि यार मैं से 100 रुपये ले ले चला जाए वापस चल ले, लेकिन कहता नहीं। फिर मैंने कहा 200 रुपये, फिर आखिरकार 200 रुपये पे वो मान गया। हाँ शुक्र है मान गया था वरना मेरे 500 रुपये गए। 250 रुपये देगा उसमें फ्राइज भी आएंगे पकौड़े भी आएंगे और चाय भी आएगी। नहीं यार 200 रुपये में तुझे 200 में एक चीज़ नहीं आती ना। आएगी ना आएगी, आएगी। तूने अपने लिए करना, तू कि तो किसका सोच रहा है आपका देख। तो यार ये ब्लॉग था मेरा और यकीन मानिए से कोई कटिया और कोई फारग तरीन और कोई बोरिंग ब्लॉग मैंने अभी तक कोई नहीं बनाया होगा मुझे पता है, लेकिन खैर फिर भी देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी नींद आ रही है, फिर अल्लाह हाफिज़।